तो लोग बोलते हैं मरते कैसे हैं पेशेंट, तो कोविड से या कोरोना से मरते हैं या ट्रीटमेंट से मरते हैं? अगर यह सवाल आपके दिमाग में है तो उसका जवाब यह है कि जैसे ही आप में से कोई भी आज से पहले भी टेम्परेचर बढ़ा, और अभी तो पक्का ही क्योंकि अभी पैनिक ज्यादा है, आप इमीडिएटली दुनिया का सबसे ज्यादा डेंजरस दवाई का खिताब जिस मेडिसिन को मिला है वो मेडिसिन आप लेते हैं, एंड उस मेडिसिन का नाम है पैरासिटामोल, राइट। उस ये एक लौता सा मेडिसिन है जिसको सबसे डेंजरस मेडिसिन का खिताब मिल चुका है ऑलरेडी ऑफिशियली, क्योंकि ये जितना डैमेज करता है बॉडी को इंस्टेंटली, इतना डैमेज कोई और मेडिसिन नहीं करता है। मेडिसिन सारे डैमेज करते हैं, धुआंधार डैमेज करते हैं, लेकिन उनमें भी जो खिताब जीता है वो है पैरासिटामोल, जो कि आप सबसे लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं, छोटे बच्चे को भी देते हैं, राइट। और लीवर फेलियर का जो सबसे बड़ा कारण है, लीवर फेलियर के बहुत सारे कारण है, राइट, लेकिन अमंग ऑल द रीजन जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है लीवर फेलियर का इस दुनिया में, उसके किसका है? पैरासिटामोल का है। तो ये तो सोचते भी नहीं है लेने से पहले, और हॉस्पिटल में जाएंगे अगर वहां एडमिट होंगे तो वो बड़ा हाई डोज में देते हैं, वेरी वेरी हाई डोज, राइट। तो अगर किसी दिन लीवर फेल हो गया जो कि होता है, किडनी फेल हो गया जो कि होता है, तो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने ये एक्शन किया ये रिजल्ट आया, ना तो कोई आपको बताएगा ना आप खुद रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज आपने कभी भी सस्पेक्ट नहीं किया पैरासिटामोल का, आपने सस्पिशन था ही नहीं, आप लगते हैं कि ये तो अमृत है, इसका कोई कनेक्शन नहीं। तो देखिए, जो आपको बताया जा रहा है और जो टेक्स्ट बुक में लिखा है, दीज आर टू डिफरेंट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो यहीं पे ये डेविडसन प्रिंसिपल ऑफ एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन 23rd एडिशन ले लें, या इसके 20th एडिशन से मैंने ये पैराग्राफ निकाला है, और ये दोनों पैराग्राफ में क्या लिखा है, सिर्फ इतना लिखा है कि एंटीबायोटिक लेने से या पैरासिटामोल लेने से, एंटीबायोटिक लेने से आपको फीवर में फायदा तो है नहीं लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जो लिखित में वो तो ये है, लेकिन जो प्रैक्टिस में है ये इसका उल्टा है, राइट। प्रैक्टिस में जो ओरली डॉक्टर देते हैं वो इसका अपोजिट है, तो रिजल्ट तो अपोजिट ही आएगा ना। फिर अब अगर किसी को डेथ हो गया, किसी की लीवर फेलियर हो गया, किडनी फेल हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये पैरासिटामोल की वजह से हो गया, हम तो बोलेंगे कोरोना से मर गया वो तो, राइट, हम तो यही बोलेंगे ना। इलनेस का मतलब कि आपको बुखार चढ़ जाएगा, वो बुखार कोई इलनेस नहीं है, बुखार एक मैकेनिज्म है, आपका बॉडी उस वायरस से लड़ रहा है, और उस उसे हम बोलते हैं बुखार, बुखार को हम बोलते हैं बीमारी है, बीमारी क्या है, बुखार हो गया, बट बुखार तो हमारा औजार है, दैट इज अवर हथियार, दैट इज अवर वेपन। और ऐसे में एक इंपॉर्टेंट बात, इसलिए मैं आज का ये शुरू करना चाहता हूँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इफ यू वांट टू टेक एनी वन थिंग इन द बिगिनिंग, वो ये, जब भी आपको बुखार आता है, जब भी आपको बुखार आता है, बुखार के वक्त अगर आप एंटीबायोटिक दवाई लेंगे, पैरासिटामोल एक्सेट्रा, तो आप अपना दुश्मन बन गए हैं, यू आर योर ओन एनिमी। आपने सिंपली इतना किया, सिंपली से एक ही चीज किया कि आपके बॉडी का जो हथियार था वो हथियार को छीन लिया, राइट। तो मान लो दुश्मन से लड़ाई हो रही है और कोई आपका बंदूक छीन ले, तो क्योंकि आपको बंदूक उठाने में भारी लग रहा है, जाहिर सी बात है उठाने में भारी लग रहा है, लेकिन आप उसका पर्पस ही था गोली मार के दुश्मन खत्म करना, राइट। जब बंदूक को उठाएंगे भारी लगेगा, आप थकेंगे भी जाहिर सी बात है जल्दी, लेकिन वो बंदूक हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट वेपन है उस वक्त। ठीक उसी तरह से जब आपको फीवर होगा तो आप थक जाएंगे, आपको बॉडी टायरिंग लगेगा, आपको बॉडी एक होगा, राइट, आप सुस्त पड़ जाएंगे, क्योंकि वो एक हथियार है जो आपका बॉडी उस वक्त उठा रहा है, राइट। और उस वक्त आप क्या करते हैं, बाय गिविंग अ पैरासिटामोल आप उस हथियार को छीन लेते हैं बॉडी से, और जैसे ही बॉडी निहत्ता हो जाता है, नाउ इज द टाइम फॉर दैट वायरस टू प्रोपेगेट, ये वो टाइम है वायरस एकदम से फैल जाता है। तो एक्चुअली टेकिंग ए पैरासिटामोल इज लाइक एनिमी टू योर बॉडी, टेकिंग ए पैरासिटामोल इज लाइक फ्रेंड टू द वायरस, आप वायरस के दोस्त बन गए, यू आर फ्रेंड टू द वायरस, राइट, अंडरस्टैंड, आप वायरस के दोस्त बन गए। एक इंपॉर्टेंट बात जो लोग बोलते हैं, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात शुरू में ही मैं बता रहा हूँ, ताकि जो शुरू वाली बातें आपको याद रहती हैं कि टेम्परेचर बढ़ गया 102 डिग्री, 103 डिग्री, 104 डिग्री, 105 डिग्री, तो ऐसे में अगर हम दवा नहीं लेंगे, पैरासिटामोल नहीं लेंगे या एंटीबायोटिक दवाइयां नहीं लेंगे, उसको डाउन नहीं करेंगे, तो हमें सीजर आ सकता है और ब्रेन में शॉक आ सकता है और इंसान मर सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। देखिए, एक बात समझना होगा ह्यूमन बॉडी के बिहेवियर को, ह्यूमन मैकेनिज्म को, कि टेम्परेचर उतना ही बढ़ता है जितनी की थ्रेट होती है, थ्रेट के हिसाब से बढ़ता है, राइट। और बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है जिससे होमोस्टेसिस बोलते हैं, तो वो मैकेनिज्म एक बैलेंस हमेशा बना के रखने की कोशिश करता है, ये काम बॉडी का है, इसमें हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए।
और मैंने आपको बताया कि हमारे 20,000 पेशेंट अब तक है पिछले थ्री मंथ्स में, और 20,000 पेशेंट्स को हमने ठीक किया, 20,000 बाई टूडे, राइट, इट इज मोर देन 20,000 पेशेंट्स, और उनमें से किसी एक ने भी कोई एक दवाई भी नहीं ली, राइट। और कितनी बार टेम्परेचर ज्यादा भी हुआ लोगों का, 103 डिग्री, 104 डिग्री, 4.5, 105 डिग्री, राइट। सो ऐसे में पैनिक करके अगर आप दवा ले लेंगे वो टेम्परेचर को फोर्सफुली डाउन तो कर देगा, लेकिन दैट इज द मेडिसिन विच कैन किल यू। अब जब वो पेशेंट कोई मर जाता है तो बोलते हैं देखो कोविड ने मार दिया या इन्फ्लुएंजा ने मार दिया या फ्लू ने मार दिया, राइट। लेकिन जो वेरी मैकेनिज्म बॉडी उससे लड़ रही थी उस लड़ाई में आपने खुद ही हरा दिया। इसीलिए पैरासिटामोल को जो दुनिया की सबसे पुरानी दवाई मानी जाती है, पैरासिटामोल को खिताब मिला हुआ है दुनिया का सबसे डेंजरस दवाई का, इट इज द मोस्ट डेंजरस ड्रग इन द वर्ल्ड, राइट। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा लोगों को मारा, सबसे खतरनाक दवाई वो है पैरासिटामोल। अब बात सारी यहीं से शुरू होगी, खत्म भी यहीं पे होगी। मैं सिंपली ये बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जब आप पैरासिटामोल लेते हैं या जब फ्लू होता है पैनिक में, पिछले साल इतना पैनिक नहीं था, लोग फिर भी सबर करके सारा ठीक हो ही जाएगा, बट नाउ पीपल टेक ओवरडोज एंड व्हेन दे डाई इट इज लेवल्ड एज दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर रहा हूँ कि जब भी मैं कोई विश्वरूप चौधरी जी का या तो कोई भी अच्छी वीडियो यहाँ पे डालता हूँ तो उसके नीचे कमेंट बॉक्स में बहुत सारा क्वेरीज और क्वेश्चंस होता है कि मेरे पास, मैं इस बीमार से ग्रसित हूँ, इस रोग से ग्रसित हूँ तो इसका इलाज क्या है, और मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होता है। अगर मैं DIP डाइट ले रहा हूँ तो क्या ये भी ले सकता हूँ, DIP डाइट के साथ क्या क्या लेना है, इन सारे तमाम क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं मेरे से, ठीक है। लेकिन ये चैनल डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी का जितने भी वीडियोज है उनको अपलोड करने के लिए मैं इस चैनल को बनाया था, और भी बहुत सारे हेल्थ से संबंधित बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज आपको शेयर करता जाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए जो भी जितने भी सारा क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चन है, आपको वो क्लियर करने के लिए डायरेक्ट आपको डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी से मिलना होगा, ठीक है। तो उसको मिलने का दो तरीका है, एक तो उसका नाइस टीम से मिल सकते हो, और आपका जितने भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपका जितने भी रोग का जो भी इलाज हो उसी से वहाँ से करा सकते हो, और दूसरी बात दूसरी डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी से डायरेक्ट उससे भी आपको वो हो जाएगा, वहाँ से भी आप इलाज ले सकते हो और आपका सारा डाउट क्वेरीज और क्वेश्चंस हो वहाँ पे क्लियर कर सकते हो। तो इसके लिए मैं सारा डिटेल, इसको डिटेल तरीका से मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके अपने रिलेटिव्स और दोस्तों को इसको शेयर करना होगा। उसके बाद अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हो तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना होगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले, और वो सारा चीज़ जानने के लिए आपको सारा चीज़ जान सके, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ अपने रिलेटिव्स के साथ जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है उनको ये वीडियो आपसे ज़्यादा ज़रूरत हो। अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के राइट साइड में नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन के राइट साइड में एक बेल आइकन आ जाएगा, उसको भी प्रेस करके ही ओपन कर दीजिए, और उसके बाद ऑल को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसमें कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूँ या तो कोई भी हेल्थ से संबंधित कोई भी वीडियोस डालता हूँ तो उन सारा वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, और वो वीडियो देखने का मौका सबसे पहले आपको ही मिले। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।